मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे तुपाटा लोकप्रिय मुख्यमंत्री माणिक सहाजी आज के स्वतंत्रता अध्यक्ष और त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव जी मंच पर उपस्थित मेरे सहकारी विद्वान मित्र डॉक्टर प्रकाश खांडे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जी आपको ये आपके सामने ये बात रखी और आपको भी विदित है विश्वात्मक संत साहित्य सम्मेलन के माध्यम से पहला विश्वात्मक संत साहित्य सम्मेलन कोल्हापुर महाराष्ट्र में 4, 5 और 6 अप्रैल को संपन्न हुआ। उस सम्मेलन में अध्यक्षता करने का सम्मान भाग्यवश मुझे प्राप्त हुआ था। सम्मेलन का उद्घाटन महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम भगत सिंह कोश्यारी जी ने किया था और अपने स्वागताध्यक्ष विष्णुदेव वर्मा जी ने पहले संत साहित्य सम्मेलन में के सांगता समारोह में उपस्थित होकर संत विचारों पर इतना उत्कृष्ट उद्बोधन किया था। आज वो हमें आज भी याद है। संतों के विचार प्रदान का आदान प्रदान का यज्ञ होना चाहिए। वास्तव में ईशान्य भारत की परंपरा संत परंपरा क्या है? ईशान्य भारत में भक्ति परंपरा का विकास कैसे हो गया इसके बारे में बहुत जानकारी हमें भी नहीं है। हम सब यह सम्मेलन यहां जो विद्वान उपस्थित है उनसे ये सब सुनना चाहेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन त्रिपुरा का पर्यटन विभाग कर रहा है, यह और खुश की बात है। मैं पर्यटन मिनिस्टर, उनकी मिनिस्ट्री और विभाग के सब कर्मचारीगण को हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूँ। सम्मेलन अध्यक्ष होने के नाते यह मेरा दायित्व है कि आपके सम्मेलन ये सम्मेलन आयोजित करने के लिए पीछे क्या विचार रहा है, उसकी तत्व मीमांसा क्या है, उसका तत्वज्ञान क्या है। प्रियजनों, आपको मालूम है आज पूरा विश्व अशांत है। रशिया यूक्रेन वार हो या ईरान में महिलाएं संगठित होकर अपने हक की लड़ाई लड़ रही हो या चीन में हर चार महीने बाद निर्मित होने वाली पैंडेमिक स्थिति हो, यह सब क्या दर्शाता है? यह सब एक ही बात का संकेत देता है, पूरा विश्व अशांत है। और जब मानव अशांत होता है तब वो सिर्फ अपने ही विनाश का कारण नहीं बनता लेकिन पूरे विश्व के विनाश का कारण बनता है। और इतिहास गवाह है, चाहे हिटलर हो या चाहे कोई भी डिक्टेटर हो, आपकी जीवनी आप अगर पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा एक अशांत आदमी पूरे विश्व को अशांत कर सकता है। कुरुक्षेत्र पर भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने पार्थ अर्जुन को यही बात कही थी, ध्यायस्ते विषम कुसा संगस्त शूप जायते, संगस्त जायते कामात कामात क्रोधाद जायते, क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रणश्यति। मानव का बुद्धिनाश होता है। हम सब लोग बहुत भौतिकतावादी हो गए और यही सही समय है कि संत महंतों के विचार जो शांति सूत्र दोहराता है वो विचार विश्व के सामने रखा जाए।